Brought to you by diagnostics. की आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया को टेस्ट करते रहो तो राहुल तो प्रचारा ही करते हैं कर है। अनिल भी ताल ठोक रहे हैं लगातार की मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ अहरवाल ऐसी रविंद्र जीत भी कह रहे हैं की अहिवाल में मुख्यमंत्री आना चाहिए अब की बार अहिवाल ने बीजेपी की सरकार बनाने में अहम है रो, रोल अदा किया है हरियाणा प्रदेश में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली हमारे साथ मौजूद है अध्यक्ष जी आज तक किसी पार्टी ने प्रदेश में तीसरी बार सरकार नहीं बनाई थी बीजेपी ने यह इतिहास रच दिया है ये इतिहास हरियाणा की जनता ने रचा है इसका श्रेय छत्तीस बरादरी को हरियाणा की किसान को और पहलवान को और जवान को जाता है जिन्होंने ये इतिहास रचा है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक जनता है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्यार और प्रेम हरियाणा को जो मिला है और मुझे जो लगता है कि हरियाणा प्रदेश में लंबे समय तक जिस प्रकार से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा भी गुजरात की लाइन पर चलेगा हरियाणा लालो लालू की धरती कही जाती है देवी लाल भजन लाल बंशी लाल लाल की अध्यक्षता में तीसरी बार प्रदेश में सरकार हमारे आ, पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दूसरी सरकार बनी थी और आज अध्यक्ष के नाते भी पार्टी ने एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दे रखी है और उस कार्यकर्ता के भाव से हरियाणा की जनता ने जो मान सम्मान दिया है पार्टी को मान सम्मान दिया और लाखों कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है उनकी मेहनत है ये हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता का जो संघर्ष है ये उसका परिणाम है जलेबी काफ़ी चर्चा में रही इस विधानसभा चुनाव में उसको किस तरह दी मैंने दो जलेबी एक डिब्बा हूडा जी को भिजवाया है एक राहुल जी को भिजवाया है और एक डिब्बा मैंने जो नार से विधायक बना है वो विधायक जीत के बना है इसलिए उसकी जीत की खुशी में भी मैंने तीन डिब्बे बाई पोस्ट भिजवाए हैं आज वो डिब्बे उनके को मिलेंगे और हमारे कार्यकर्ता भी डिब्बे के साथ पहुँचेंगे राहुल गांधी जहाँ जहाँ भी रैलियाँ जनसभा करके गए वहाँ से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा मैंने तो राहुल गांधी का जैसे ही प्रोग्राम बना था और उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि भाई वो सबसे पहले असंत में आएंगे तो मैंने तभी कहा था मगर हमारा तो असली प्रचार तो राहुल गांधी आके करेगा और जैसे ही राहुल गांधी हरियाणा में आए उस उसी टाइम से बीजेपी का एकदम से बूम उठा कार्यकर्ता खुल के का आए तो जहाँ जहाँ भी राहुल गांधी वो तो प्रचार हमारा ही करते हैं नाम कांग्रेस का लेते हैं अब हरियाणा प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह कब होने की तैयारी है पंद्रह तारीख का कह रहे हैं कि पंद्रह अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है अभी संभावनाएं हैं है और जैसे ही देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जैसे ही हमें समय मिलेगा जो भी समय मिलेगा उसी दिन हम सारे प्रोग्राम अपने तय करेंगे अनिल भी जितने ताल ठोक रहे हैं लगातार कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल ताल तो भूपेंद्र हुडा भी ठोक रहा था ताल तो पता नहीं कितने लोग ठोकते हैं अहिरवाल से राविंद्र जीत भी कह रहे हैं कि अहिरवाल में मुख्यमंत्री आना चाहिए अब की बार अहिरवाल ने बीजेपी की सरकार बनाने में अहम रोल अदा किया है हमारे छह विधायक यादव बैल्ट से जीत के आए हैं और पहले भी जीत के आए थे और हरियाणा की जनता और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है ना हम जातिवाद में विश्वास करते हैं ना क्षेत्रवाद में करते हैं ना परिवारवाद में करते हैं पूरा हरियाणा हरियाणा एक हरियाणा भी एक का हमारा मूल मंत्र है हम उसी पर चलेंगे क्या डिप्टी सी एम जिस तरह से नाम अनिल का सामने आ रहा है अरविंद शर्मा या आरती राव को डिप्टी सी एम बनाया जा सकता है ये सारे सूत्र लिख के आप चला देते हो इन पर मेरा कोई जवाब नहीं है अभी कैबिनेट में किस किस मंत्री का नाम जा सकता है मैंने आपको बताया है ना ये तो कोई ज्योति बता सकता है मैं भारतीय जनता पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हूँ जिस प्रकार का आदेश दिल्ली से मिलेगा जिसको भी वो, वो अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा फिर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो जो तय करता है और फिर हमारा विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल की बैठक में हमारा विधायक दल का नेता भी चुना जाता है वो सारी प्रक्रियाएं होंगी विधायक विदा, दल की बैठक आज हो सकती है क्या नहीं अभी तो जैसे ही हमें डेट मिलेगी और ये ये सारे प्रोग्राम आज त्योहारों का दिन आज दुर्गा नवमी का दिन है और दशहरा है कल को दशहरे के बाद मुझे लगता है हमें समय मिलेगा आपकी बार अध्यक्ष जी लगता नहीं कहीं कहीं ना कहीं, कहीं निर्दलीय जो उम्मीदवार मैदान में थे उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाने में अहम रोल अदा किया है जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे थे जितने भी हमारे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे सभी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया चाहे उसमें कांग्रेस है चाहे दूसरी पार्टी है अशोक तंवर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की अब वापिस बीजेपी में आते हैं तो क्या वो कई कई आदमियों का एक हरियाणा में कहावत होती है और वो कहावत अशोक तवर पर फिट बैठी है वो जहाँ भी जाते हैं वो एक बार ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बनने की लाइन में था वो उस पार्टी में चले गए वो बेचारी बिछड़ गई वो वो फिर आम आदमी पार्टी में चले गए थे आम आदमी पार्टी का भी जो हाल हुआ फिर वो एक और पार्टी में भी गए थे फिर वो हम, फिर हमारे हम ऐसा पार्टी लगता है कि उनके जाने से बीजेपी की सरकार बनी है नहीं नहीं जाने से नहीं बनी है कई आदमियों के भाग में ऐसा होता है कई आदमियों को घी पचता नहीं है हमने उनको घी देने का काम किया वो पचा नहीं उसको कई आदमियों की अपनी आदत होती है और सम्मान जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया जिस प्रकार से दिया हमारी सीटिंग सांसद थी सुनीता दोगुल उसकी जगह उसको चुनाव लड़वाया पूरा मान सम्मान दिया पार्टी ने पूरा चुनाव उसका लड़ा उसके बाद जो हमारा चुनावी कंपेन चला उसमें पूरी बड़ी जिम्मेवारी उनको दी पूरे मन के साथ काम किया मैं ये भी नहीं कहता उन्होंने काम किया मैं उनकी मेहनत को भी स्वीकार करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जब तक वो रहे पूरा काम किया लेकिन उसके बाद अचानक से किस लालच में किसके कहने से क्या हुआ वो तो उसके भाग का फैसला है वो वहाँ गए तो वहाँ भी मूसी लौट गई तो अब उसका क्या इलाज है हमारे साथ मोहनलाल प्रति कहना है कि पार्टी में सबको मान सम्मान दिया जाता है तो त्योहार के बाद विधायक दल की बैठक होगी उसमें फैसला लिया जाएगा सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक